हे फ्रेंड्स, दिस इज़ अरुण और आप देख रहे हैं ब्लॉग, और ये है YCS बजाज गुमटी नंबर 5 कानपुर में। अगर आपको बजाज का कोई भी प्रोडक्ट लेना है और अगर आप कानपुर में रहते हैं तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। नीचे दिए गए जानकारी से आप उन पर्सन को कॉन्टेक्ट करके वो प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। सो बात करते हैं बाइक की। ये है बजाज पल्सर F250, यानी कि ये फेयरिंग वाला वेरियंट है, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा। बात करें इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो इसमें 14 लीटर का फ्यूल टैंक दिया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी रेंज प्रोवाइड करेगा। इसकी जो सैडल हाइट है वो 795 mm है, ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm, और जो इसका व्हील बेस है वो 1351 mm है, जो कि हाई स्पीड पे अच्छी खासी स्टेबिलिटी आपको देगा। इसका जो कर्व वेट है वो 162 kg का है, जो कि सफिशियंट है और आराम से बाइक को हैंडल किया जा सकता है। सो बाइक लुक्स में काफ़ी अच्छी है, और ये बजाज की दूसरी फेयरिंग बाइक है। इससे पहले 220F आती है अभी भी बजाज में, तो आप उसको भी ले सकते हैं और इसको भी चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं। सो बात करते हैं इसके फ्रंट में, तो फ्रंट में आपको बाई फंक्शनल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलता है, जिसमें रिवर्स बूमरैंग आपको पोजीशन लैम्प देखने को मिलते हैं, जो कि लुक्स को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करते हैं। और बाई प्रोजेक्टर का मतलब ये है कि इसमें एक ही प्रोजेक्टर लैम्प दिया है, जो कि हाई बीम और लो बीम दोनों की तरह वर्क करता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। पहले बजाज पल्सर 200 में आपको अलग अलग दो लैम्प देखने को मिलते थे, जिसमें आपको एक हाई बीम का और एक लो बीम का, बट इसमें एक ही में ही दोनों फंक्शन दिए हुए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है और लुक्स को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करते हैं और काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक बाइक देखने को लगती है। फ्रंट में आप देखेंगे तो यहाँ पर आप छोटा सा बजाज का लोगो देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर आपको नंबर प्लेट माउंट देखने को मिलता है, यहाँ पर आप नंबर प्लेट लगा सकते हैं। तो इसका नंबर प्लेट जो है वो विंड स्क्रीन पर ही लगता है, जो कि लुक्स को कहीं ना कहीं थोड़ा सा ख़राब करता है। अगर हम बात करें इसके ब्रेक की, तो इसमें फ्रंट में 300 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, जो सिंगल चैनल ABS के साथ आता है, और इसका जो ABS है काफ़ी प्रिसाइज है, काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। और अगर हम बात करें इसके डिस्क की, तो फ्रंट में 300 mm का डिस्क ब्रेक दिया हुआ है, जो कि डिस्क इसकी काफ़ी बड़ी है और ब्रेकिंग पावर काफ़ी अच्छा जनरेट कर सकती है। सो इंस्टेंट अगर आप बाइक रोकना चाहेंगे इमरजेंसी सिनेरियो में, ये काफ़ी हेल्प करेगा और लुक्स भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो काफ़ी सही है, और बाइक का लुक रियली में काफ़ी सही है, और काफ़ी समय बाद पल्सर ने कुछ नया ला के दिया हुआ है। सो यहाँ पर अगर हम बात करें टेलीस्कोपिक फॉक्स की, तो फ्रंट में आपको 37 mm ट्रेवल वाला टेलीस्कोपिक फॉक देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी सही है। यहाँ पर आपको ABS की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, साइड में भी आपको इधर ABS की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, और इसका जो फ्रंट मडगार्ड है वो काफ़ी स्टाइलिश है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिया हुआ है, और इसमें डुअल टोन का यूज़ किया गया है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा लाइट कलर डार्क कलर दिखेगा, और ऊपर थोड़ा सा लाइट कलर देखने को मिलता है। बात करते हैं इसके टायर की, तो इसका जो टायर है वो 100x80 सेक्शन का 17 इंच का व्हील दिया हुआ है, जो कि काफ़ी सही है, और बाइक के लुक के हिसाब से काफ़ी सही साइज़ दिया हुआ है। इसमें आपको जो व्हील दिया है उसमें रेड कलर की स्ट्राइप्स भी दी होंगी, जिसकी वजह से आपको स्पोर्टी लुक देखने को मिलता है। फ्रंट में अगर हम मडगार्ड की बात करें, तो इसमें भी रेड और वाइट कलर का एलिमेंट देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी सही है, और फ्रंट मडगार्ड में आपको डुअल टोन कलर का यूज़ दिखेगा, जो कि लुक्स को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करेगा। और फ्रंट से बाइक रियली में काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी एग्रेसिव लगती है, तो जिनको फेयरिंग बाइक पसंद है वो इस बाइक के साथ जा सकते हैं। ये 250cc की बाइक है। और बात करते हैं इसमें मिरर की, तो यहाँ पे मिरर फेयरिंग में ही अटैच है, जो कि काफ़ी सही है, हैंडल बार में अच्छा नहीं लगता है। सो फेयरिंग में अटैच होने की वजह से आपको रियर व्यू काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, और इसके मिरर भी काफ़ी ब्रॉड सा आपको रियर व्यू मिरर देते हैं, जो कि काफ़ी सही है, और लुक्स भी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं। सो यहाँ से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। सो देख सकते हैं फ्रंट से लुक काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव बाइक है और स्पोर्टी फील देती है। अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें, तो साइड से भी बाइक काफ़ी अच्छी है, और इसका जो फेयरिंग है काफ़ी आगे तक एक्सटेंड किया हुआ है, जो कि काफ़ी सही है। यहाँ पर आपको पल्सर की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर साइड में आपको थोड़ा यहाँ पर रेड और वाइट इन दोनों की स्ट्राइप्स देखने को मिलती हैं, जो कि कहीं ना कहीं इसके लुक्स को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देती हैं, जो कि काफ़ी सही चीज़ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहले पेरीमीटर फ्रेम आता था, अब फ्रेम चेंज कर दिया है, लेकिन यहाँ पर डिज़ाइन जो है पेरीमीटर फ्रेम की तरह ही दिया हुआ है, और साइड में कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट ऐड किए गए हैं, जो कि इसकी स्पोर्टी फील को बढ़ा देते हैं। और अगर हम बात करें इसके रियर व्यू की, तो काफ़ी अच्छी है रियर व्यू। साइड में आपको F250 की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ जाल जैसा दिया हुआ है, जो कि इसके स्पोर्टी फील को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है। यहाँ पर आप साइड में देखेंगे तो यहाँ भी
ऊपर थोड़ा सा ऐसा ही जाल जैसा पैटर्न दिया हुआ है और लुक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं बाइक्स के। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा अच्छी बाइक लग रही है देखने में। अगर हम बात करें इसके रियर व्यू की, यानी कि पीछे से बाइक देखने में कैसी लगती है, तो पीछे आपको आइकॉनिक सी लाइट देखने को मिल जाती है जो कि आपको डोमिनार में देखने को मिलती है और बजाज पल्सर में भी कहीं ना कहीं कुछ इसी तरह की देखने को मिल जाती है। पीछे आपको LED लाइट देखने को मिलती है और इसके जो इंडिकेटर्स है वो भी LED इंडिकेटर्स आते हैं जो कि काफ़ी सही चीज़ है। अगर हम बात करें इसमें मडगार्ड हगर की, तो पहले जो मडगार्ड हगर आता था वो सिंगल साइड रहता था, यानी कि एक ही साइड में उसके आर्म होते थे और वो एक ही साइड से अटैच रहता था, कहीं ना कहीं वो अच्छा भी नहीं लगता था और बाइक में आवाज़ करता था। बट अब इसमें जो मडगार्ड हगर दिया है वो दोनों तरफ से अटैच है जो कि बाइक को इक्वली सिमेट्रिकल लुक भी देता है और साथ में कहीं ना कहीं ये मजबूती भी देता है। अगर हम बात करें इसके रियर सस्पेंशन की, तो रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर आता है जिसमें नाइट्रॉक्स सस्पेंशन लगा हुआ है और ये सिंगल है तो काफ़ी सही है और ये स्पोर्टी फील को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। और यहाँ पर आपको एडजस्टर देखने को मिल रहे होंगे, यहाँ से अपनी बाइक में इसको एडजस्ट करके अपनी बाइक की हाइट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है और फ्यूचर में काफ़ी लोगों को पसंद भी आता है अपनी बाइक की हाइट को कम या ज़्यादा करना, तो काफ़ी सही चीज़ है। और अगर हम बात करें इसके रियर व्यू की, तो रियर व्यू में अगर हम बात करें इसके ब्रेक की, तो ब्रेक इसमें 230mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है और ये सिंगल पिस्टन कैलिपर पीछे देखने को मिलता है जो कि काफ़ी सफिशिएंट सी ब्रेक बाइट प्रोवाइड करता है और बाइक को इंस्टेंट रुकने में हेल्प करता है। और यहाँ पर भी आपको एक सेंसर देखने को मिल रहा होगा, ये RLP सेंसर है, यानी कि रिवर्स लिफ्ट प्रोटेक्शन RLP सेंसर, जिसकी वजह से अगर आप बाइक को अचानक से ब्रेक मारते हैं और अगर आपकी बाइक पीछे से उठ रही है तो ये सेंसर अपनी हेल्प से इसको उठने से रोकता है। अगर हम बात करें पीछे रियर टायर की, तो इसमें रियर में 130x70 सेक्शन का 17 इंच का व्हील है, यानी कि काफ़ी ब्रॉड सा व्हील आपको देखने को मिल रहा होगा, काफ़ी चौड़ा व्हील है और जिसकी वजह से क्या होता है ये रोड पे काफ़ी अच्छी ग्रिप भी प्रोवाइड करता है, यानी ब्रेकिंग के समय ये जो इसकी एक्स्ट्रा ग्रिप है काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। साइड में आपको सारी गार्ड देखने को मिल रहा होगा जो इंडियन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है और ये सारी गार्ड थोड़ा सा लुक भी बिगाड़ता है बट सेफ्टी के हिसाब से देखें तो काफ़ी सही है। और ये काफ़ी बड़ा सा दिया हुआ है और ये पूरे व्हील को इस तरह से एक साइड से कवर किया हुआ है, तो जो लेडीज़ हैं यहाँ पर साइड में बैठेंगी इस बाइक पे तो उनके जो एक्स्ट्रा जो उनके कपड़े वगैरह लटकते रहते हैं ढीले कपड़े वो इसमें चेन में फंस ना जाए तो ये उसको फंसने से रोकता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर फुट पैक्स भी काफ़ी अच्छे से मेटल फिनिश में दिए हुए हैं और लुक्स वाकई में काफ़ी अच्छा है। अगर हम बात करें इसके ग्रैब रेल की, तो इसमें स्प्लिट ग्रैब रेल देखने को मिलते हैं, यानी कि जो पर्सन पीछे बैठेगा वो इनको आसानी से पकड़ पाएगा। और अगर हम बात करें इसके सीट की, तो इसमें स्प्लिट सीट सेटअप देखने को मिलता है और इसकी स्प्लिट सीट में बजाज में पल्सर देखने को मिल जाता है, तो पल्सर लिखा हुआ देखने से काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये स्प्लिट सीट सेटअप है जिसको ऑपरेट करने के लिए इसके नीचे की तरफ की होल दिया हुआ है जो थोड़ा सा हिडन है और लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर देता है। और इसकी जो फ्रंट सीट है वो थोड़ा आगे तक एक्सटेंड है। अब अगर हम बात करें इसके फ्यूल टैंक की, तो इसमें 14 लीटर का फ्यूल टैंक आता है और अब यहाँ पर इसका फ्यूल लीड देखने को मिल रहा होगा। सो 14 लीटर का फ्यूल टैंक 250 cc के हिसाब से काफ़ी ठीक है। यहाँ पर आपको एक चार्जिंग पॉइंट देखने को मिलता है जो कि बाइक में होना चाहिए आज की डेट में, और चार्जिंग पॉइंट की हेल्प से अपने मोबाइल को ऑन द गो चार्ज कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इसके स्विच गियर्स की, तो स्विच गियर में इस तरह से कुछ स्टाइलिश का एक एलिमेंट ऐड किया हुआ है। स्विच गियर जो है वो गुड क्वालिटी के हैं, नॉर्मल जैसे फंक्शनल आते हैं वैसे ही आपको मिलते हैं, लेकिन क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी कर दी गई है। और साथ में ये बैकलिट है, यानी कि इनमें जो सिंबल्स बने हुए हैं वो रात में ग्लो भी करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इंजन किल स्विच देखने को मिल जाता है जो कि थोड़ा सा सही है। और यहाँ पर आपको इंजन स्टार्टर देखने को मिलता है। इस बाइक में किक स्टार्ट नहीं आता है, यानी कि आपको सिर्फ स्टार्ट करने का एक ही मीडियम दिया हुआ है जो कि काफ़ी सही है। यहाँ पर आपको क्लिप ऑन हैंडल बार देखने को मिल रहा होगा। अगर हम बात करें N250 की, तो N250 में आपको सिंगल बार हैंडल देखने को मिलता है, लेकिन इसमें आपको क्लिप ऑन देखने को मिल जाता है जो कि कहीं ना कहीं स्पोर्टी फील को बढ़ाता है और यहाँ से आप अपने क्लिप ऑन को थोड़ा सा एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं जो कि काफ़ी सही चीज़ है। अगर हम बात करें इसके मीटर कंसोल की, तो मीटर कंसोल काफ़ी फ्यूचरिस्टिक सा लगता है और मीटर कंसोल में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया है, सिर्फ थोड़ा सा अपडेट किया है। यहाँ पर आपको गियर इंडिकेटर, क्लॉक, फ्यूल इफिशेंसी और रेंज इंडिकेटर जैसे फीचर भी देखने को मिलते हैं। इसमें आपको सेमी एनालॉग सेमी डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलता है। इस साइड में आपको सारी इंडिकेशन मिलती हैं और जो राइट हैंड साइड में एक छोटी सी स्क्रीन देखने को मिलती है, यहाँ पर आपको स्पीड, गियर पोजीशन इंडिकेटर और जो टैकोमीटर है वो आपको सुई वाला देखने को मिलता है जो कि कहीं ना कहीं इसके क्लासिक लुक को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है। और सुई वाला जो मीटर है वो कई लोगों को पसंद आता है टैकोमीटर की अगर हम बात करें तो।
काफ़ी सही है लुक्स के मामले में। इसमें ब्लू कलर का बैकलाइट दिया हुआ है और ये स्क्रीन ब्लू कलर की काफ़ी अच्छी लगती है अगर आप नाइट में देखेंगे तो। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ दी है जो कि है इसमें विंड स्क्रीन, और ये विंड स्क्रीन आपको हाई स्पीड में काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर पाएगी, यानी कि आप अगर कहीं लॉन्ग टूरिंग वगैरह करते हैं इस बाइक को लेके, क्योंकि ये एक हायर सेगमेंट की बाइक है तो आप इसमें आप लॉन्ग टूरिंग भी कर सकते हैं। और जब आप लॉन्ग टूरिंग करते हैं तो ये विंड स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, विंड नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा आपको नॉइस रिड्यूस करती है और विंड ब्लास्ट से आपको बचाती भी है, जो कि एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। और N250 में ये फ़ीचर अभी दिया हुआ नहीं है, जो कि लो के हिसाब से है, यानी कि जो N250 पूरी नेकेड बाइक है और जो F250 है पूरी फियर्ड बाइक है। कॉकपिट का लुक कुछ इस तरह का आता है, यानी कि जब आप इस बाइक में बैठेंगे तो आपको कुछ इस तरह का लुक आता है। मिरर्स काफ़ी अच्छा सा रियर व्यू दे पाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और बाइक का लुक ओवरऑल काफ़ी अच्छा है और मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। जिनको फियरिंग बाइक पसंद है उनको ये बाइक कहीं ना कहीं पसंद ज़रूर आ जाएगी। सो लुक्स के मामले में बाइक काफ़ी अच्छी है। अब अगर हम बात करें इसके पावर हाउस की, जो कि इसका इंजन है, तो इसमें आपको 249.07 सीसी का इंजन देखने को मिलता है, जो कि सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक SOHC 2-वेल्व ऑयल कूल्ड FI इंजन है, जिसकी मैक्सिमम पावर 24.5 PS की है 8750 RPM पे, जो कि काफ़ी सही है। मैक्सिमम टॉर्क 21.5 न्यूटन मीटर का है 6500 RPM पे, यानी कि आप लेस RPM पे ज़्यादा अच्छी पावर ले पाएंगे। अगर हम बात करें इसके कूलिंग सिस्टम की, तो इसमें एक ऑयल कूलर देखने को मिलता है। नीचे आपको जो इंजन कवर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी सही है, और काफ़ी आपको एरोडायनेमिक शेप देखने को मिल जाती है इस बाइक में। और यहाँ पर आपको BS6 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सारी ये सेंसर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर ऑयल कूलर की ग्रिल लगी हुई है, जो कि काफ़ी सही है। कहीं ना कहीं लिक्विड कूल काफ़ी महंगा पड़ता है और बाइक में काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस करने में प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, क्योंकि अगर उसको वो थोड़ा सा लीक हो जाता है तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बट इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ये थोड़ा सा इफेक्टिव है और इसमें कुछ एक्स्ट्रा डालना भी नहीं पड़ता है। ये इंजन के ऑयल को ठंडा करता है, तो कहीं ना कहीं इंजन भी इससे ठंडा हो जाता है। यहाँ पर आपको दो इसकी पाइप देखने को मिल रही होंगी, जो कि काफ़ी सही है। तो इसका इंजन जो है वो कंट्रास्ट कलर का दिया हुआ है, यानी कि बॉडी की किसी भी कलर से इसके इंजन का कलर मैच नहीं हो रहा है। और यहाँ पर आपको स्पार्क प्लग देखने को मिल रहा होगा, तो अगर हम बात करें इसके इंजन के कलर की, तो वो थोड़ा सा कंट्रास्ट कलर है और कहीं ना कहीं बाइक में अलग से ही दिखता है। इसमें आपको फाइव स्पीड गेयरबॉक्स देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी लाइट सा है, काफ़ी सही है। और यहाँ से आप इसके गियर को चेंज कर सकते हैं। सो लुक्स के मामले में भी और पावर के मामले में बाइक काफ़ी बैलेंस्ड बाइक है, काफ़ी अच्छी लग रही है बाइक। और 250 सीसी का सेगमेंट है, तो 250 के सेगमेंट में आपको ज़्यादा बाइकें ऑफ़र नहीं होती हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और ये अपने सेगमेंट में काफ़ी अच्छी बाइक है, आपको KTM में भी मिल जाता है 300 सीसी का, लेकिन वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा पावर दे पाता है। और अगर आपको सब कुछ बैलेंस चाहिए तो उसके हिसाब से ये बाइक काफ़ी अच्छी है। इसका जो एग्जॉस्ट है उसमें जो कैटालिटिक कन्वर्टर दिया है वो इंजन के पीछे ही दिया हुआ है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, और कैटालिटिक कन्वर्टर से ये एग्जॉस्ट जुड़ा हुआ है। तो अगर आपको आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट भी लगवाना है तो आपको ये बाइक काफ़ी हेल्प करेगी, यानी कि इसके आप कैटालिटिक कन्वर्टर से डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, पूरा का पूरा आपको बेंड पाइप यूज़ नहीं करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो इसका जो आपको पीछे कैटालिटिक कन्वर्टर दिख रहा होगा कुछ इस तरह का दिया हुआ है, जो कि काफ़ी सही है, काफ़ी अच्छा सा है, और ये BS6 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है। सो लुक्स के मामले में बाइक काफ़ी अच्छी है और कहीं ना कहीं ये बाइक कई लोगों को पसंद आने वाली है, क्योंकि इसका लुक काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस किया है कंपनी ने, जो यूथ है उनको देखते हुए ये बाइक बनाई हुई है। सो लुक्स के मामले में बाइक काफ़ी अच्छी है, आप इसको टूरिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। सो 250 सीसी का इंजन भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। सो आप जैसा कि देख सकते हैं इसके लुक्स काफ़ी अच्छे हैं और कहीं ना कहीं ये बाइक काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही होगी। और अगर हम बात करें इसके दूसरे भाई, यानी कि N250 की जो साइड में आपको दिख रही होगी, तो वो पूरी नेकेड बाइक है। तो कई लोगों को आप नेकेड बाइक पसंद है तो आप 250 के साथ जा सकते हैं और N के साथ जा सकते हैं, और अगर किसी को फेयरिंग बाइक पसंद है तो ये आप ये ले सकते हैं। तो कंपनी ने हर चीज़ का ध्यान रखा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।